गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने एलसीआर सीरीज एसी सर्किट का सॉल्यूशन देखा। उसमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी था रेजिस्टेंस की जगह पे, एंड दैट वाज इंपेडेंस जेड, और उसका मैग्नीट्यूड का जो इक्वेशन था दैट इज रूट ऑफ, तीन कंपोनेंट्स थे रेजिस्टर के लिए आर, इंडक्टर के लिए एक्सएल एंड कैपेसिटर के लिए एक्ससी। एक्ससी एंड एक्सएल आर द इमेजिनरी कंपोनेंट्स, तो वो कैंसलेशन में एक्ससी माइनस एक्सएल आर। ओके, तो इम्पेडेंस का इक्वेशन बना था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो ये इम्पेडेंस वो रेजिस्टेंस की जगह पे आया था। तो करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू V बाय मॉड्यूलस ऑफ Z बनेगा एलसीआर सर्किट के लिए। ओके, फिर R एंड L होता तो R एंड XL ही कंपोनेंट आएगा स्क्वायर के एडिशन में। R एंड XC हो तो R एंड X की XC के ही कंपोनेंट आएंगे स्क्वायर के एडिशन में। ओके, तो ये समझ में आया था ना। तो उसके बेस हमारे पास आज एक न्यूमेरिकल है, दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 6। और अगर ये पूछना हो एग्जाम में तो 4 मार्क्स के लिए ये कंसिडर किया जा सकता है। ओके, तो शांति से देखिएगा कि अ रेजिस्टर ऑफ 200 ओम, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 200 ओम, एंड कैपेसिटर 15 माइक्रोफेरड, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी 15 माइक्रोफेरड, दैट इज 15 × 10⁻⁶। तो ये आर एंड सी है वो कनेक्टेड विद एसी सोर्स इन सीरीज विद सप्लाई वोल्टेज। एसी सोर्स का है 220 वोल्ट, दैट इज वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स दैट इज वीआरएमएस 220 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज। तो वो ओमेगा का हमें काम करता है, एक्सएल में ओमेगा एल आता है, एक्ससी में 1/ωc आता है। तो वो ओमेगा यहां से फाइंड कर देते हैं हम 2π × 3.14 × 50, दैट यू विल हैव 314 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये डेटा हो गए। ओके, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। आराम से समझिएगा, बहुत ही स्मूथ न्यूमेरिकल है और एकदम इजी है। फाइन, तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट इन अ सर्किट। ओके, तो यहां पे सर्किट में करंट फाइंड करना है, तो करंट इन अ सर्किट विल बी गिवन बाय, करंट इन दिस एसी सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू, वो तो आरएमएस करंट होगा, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस बाय अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। यहां पे एसी सर्किट है, आर एंड सी है, तो वो इंपीडेंस आएगा, इंपीडेंस मॉड्यूलस ऑफ जेड। ओके, और यहां पे जो इंपीडेंस है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस, और इंपीडेंस दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस है ना, और ब्रैकेट में एक्ससी माइनस एक्सएल, इंडक्टर तो है नहीं तो एक्सएल आए, एक्सएल तो आएगा ही। ओके, तो एक्ससी स्क्वायर ये होगा अपना इंपीडेंस का इक्वेशन। ओके, देखो अभी वी आर एम एस है आपके पास, रेजिस्टेंस का वैल्यू है आपके पास एक्ससी दैट इज 1/ωc, तो उसका वैल्यू हम साइड में फाइंड कर देते हैं। ओके, तो हियर एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी दैट इज 1/ωc एंड 1/ωc दैट इज 1/314 × 50 × 10⁻⁶। ओके, तो 10⁻⁶ ऊपर आएगा तो 10⁻⁶
और 1/3 / 1/4/15 का आंसर हम देख लेते हैं कि चलो कि कितना आता है। तो 1/3 / 1/4/15 यू विल हैव 1/3 / 1/4/15 यू विल हैव 0.000212 कितना आया 0.000212 पॉइंट समथिंग। ओके तो 0.000212 अप्रोक्स आया हमारा। ओके तो यहाँ पे 10^6 है तो 6 पॉइंट यहां से काट लें यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6 तो XC का वैल्यू हमारा आएगा 212 ओम। क्लियर? ओके तो यहां से XC का वैल्यू हो गया तो IRMS इज इक्वल टू चलो वैल्यू पुट आउट करें VRMS दैट इज 220 डिवाइड बाय रूट ऑफ 200 स्क्वायर प्लस 212 स्क्वायर। ओके तो यहां से 220 डिवाइड बाय ये 200 का स्क्वायर दैट इज वो तो 40,000 होगा और 212 का स्क्वायर हम देख लेते हैं उसके साथ ये 200 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। चलो रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 और 2 जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो और 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। ओके और वैसे ही 212 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। ओके तो 212 × 212 यू विल हैव 44,944। ओके तो 220 डिवाइड बाय ओके तो इन दोनों का एडिशन करके हम रूट करेंगे तो 44,944 प्लस 40,000 उसका जो आंसर आएगा उसका रूट देखेंगे तो दैट इज 291.45। ओके इतना है। ओके तो करंट का वैल्यू हमारा आएगा दैट इज 220/291.4 करते हैं। ओके तो 291 ही करते हैं ना। ओके चलो तो 220/291 यू विल हैव 0.756 कितना आएगा 0.756 दैट इज 0.75 एम्पियर दैट इज RMS करंट। फाइन अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अभी दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट वाइज हमें जाना है। ओके तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल कैलक्यूलेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो रेजिस्टर के दो एंड पे पोटेंशियल वोल्टेज दैट इज IR। ओके तो पहला क्वेश्चन RMS वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर। ओके तो रेजिस्टर के दो एंड्स के बीच वोल्टेज दैट इज VR। ओके तो वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। ओके तो ये RMS वाला वोल्टेज फाइंड करना है। ओके I का वैल्यू हमने फाइंड किया कितना पॉइंट किया 0.756 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 200। ओके तो वोल्टेज अक्रॉस टू एंड ऑफ रेजिस्टर कितना आएगा दैट इज हमारा आंसर कितना आएगा तो 0.756 इंटू 200 करते हैं। ओके तो यू विल हैव 151.2 कितना आएगा 151.2 इतना वोल्ट क्या। चलो वैसे का वैसे उसी में दूसरा क्या फाइंड करना है
RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो भी ओम्स लॉ से करेंगे। RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ओके, तो दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, RMS वोल्टेज वो भी ओम्स लॉ से करेंगे, दैट इज IR, पर रेजिस्टेंस की जगह पे रिएक्टेंस XC आएगा, ओके, करंट का वैल्यू 0.756 इंटू XC का वैल्यू देखो हमने अच्छे से यहां पे फाइंड कर लिया है ना 212, ओके, तो 212, ओके, तो कैपेसिटर के 2 एम्स पे पोटेंशियल RMS वोल्टेज कितने आएंगे, तो 0.756 इंटू 212, यू विल हैव 160.27, दैट इज 3, ओके, तो इतना वोल्ट हो गया, ओके, तो ये पहली लाइन के 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए, फाइन। अभी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेजेस आर मोर देन सोर्स वोल्टेज, अभी यहां पे जो हमने 2 वोल्टेज फाइंड किए उसका एल्जेब्रिक सम देखते हैं, उसका एल्जेब्रिक सम देखते हैं, ओके, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस दैट इज V इज इक्वल, यहां पे जो हमने 2 वोल्टेज फाइंड किए हैं, वोल्टेज इज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज इज अक्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों का अगर हम एडिशन करते, ओके, तो ये एल्जेब्रिक सम हो गया ना, तो देखते हैं इनका सम कितना होता है, तो 151.2 प्लस 160.3, ओके, तो ये देखो कितना आएगा, 151.2 प्लस 160.3, तो इसका आंसर आएगा हमारा 311.5 वोल्ट। देखिए तो हमारा देखो ये एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेजेस आर मोर देन सोर्स वोल्टेजेस आर और नॉट, यहां पे सोर्स वोल्ट कितना है 220 वोल्ट है और एल्जेब्रिक सम का वोल्ट कितना है 311.5, देखो है ना ज्यादा, ओके, थस दिस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज मोर देन the source voltage, बोलो ज्यादा है ना, तो यस बोल दिया हमने, ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इफ यस देन रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एल्जेब्रिक सम तभी होता है जब VR एंड VC आर इन सेम फेज, बट रेजिस्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, हमने थ्योरी में देखा था VR ऐसे था और VC ऐसे था, थ्योरी में देखा है ना, ओके, तो वो जो पैराडॉक्स है वो यहां पे सॉल्व करना है, तो ये हमारा पाइथागोरस लॉ से राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे सर्किट में देखा था कि ऊपर जो था वो वी आर था, ऐसे जो था वो वी सी था, और ये जो हाइपोटेनियस था तो वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, एंड वी आर एंड वी सी नॉट इन वन डायरेक्शन, बोथ इंक्लाइंड एट द फेज ऑफ पाई बाई टू दैट इज 90 डिग्री, ओके, तो यहां पे हमने देखो यहां पे जो एल्जेब्रिक सम किया उसमें फेज कंसीडर नहीं किया,
बट एक्चुअली ये फेज 90 डिग्री का कंसिडर करना पड़ता है. तो ये एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, हियर वी आर एंड वी सी आर इन फेज ऑफ पाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, दैट इज वाई यहां पे ये एल्जिब्रिक सम इक्वल टू में नहीं आया. जब ये 90 डिग्री का फेज लेंगे तो वोल्टेज का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस लॉ बनेगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस लॉ वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर बनेगा ये. ओके, तो ये वोल्टेज वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होगा. तो ये डायरेक्ट एडिशन से नहीं होता, एल्जेब्रिक सम से नहीं होता, वी आर एंड वी सी परपेंडिकुलर होता है. तो ये पाइथागोरस से ही सोर्स वोल्टेज के जितना आंसर आता है. ओके, तो ये देख लेते हैं. तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर का वैल्यू कितना है, 151.2 का स्क्वायर प्लस VC का वैल्यू हमने यहां पे देखा 160.3 उसका स्क्वायर. ओके, चलो देखते हैं कितना आता है. रूट ऑफ 151.2 का स्क्वायर करते हैं, 151.2 उसका स्क्वायर करते हैं, तो यू विल हैव 22861.5 प्लस 160.3 का स्क्वायर करते हैं, तो 163.3 उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो यू विल हैव 26,666.9 इतना आएगा. ओके, तो इन दोनों का सम करके रूट देख लेते हैं. तो वो जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू सोर्स वोल्ट, 220 वोल्ट के नजदीक आएगा ये आंसर. चलो देख लेते हैं. दिस प्लस 22861.5 ये एडिशन जो हुआ उसका रूट दैट इज 220 के आसपास आएगा. कितना आएगा, 222 समथिंग आएगा. ओके, दैट इज इक्विवेलेंट टू वी सोर्स वोल्टेज. सोर्स वोल्टेज 220 है ना, तो बोलो नजदीक आया कि नहीं, है ना. तो ये देखो हमने पैराडॉक्स भी सॉल्व कर लिया. समझ में आया क्या क्वेश्चन वन? और ये क्वेश्चन वन तो एकदम इजी था, क्वेश्चन टू को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ. क्लियर? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड दिस इज फॉर 4 marks आ सकता है एग्जाम में. ओके, तो समझ में आई कंप्लीट? ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद हम एक रेजोनेंस का टॉपिक देखते हैं, तो उसके बेस जो बाकी के न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व हो जाएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.